ताकि उसके चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और सभी जिलेवासियों के सहयोग से और टेस्टिंग बढ़ा के हम लोग अभी इसमें कमी का लक्ष्य प्राप्त किए हैं, कम हुआ है। लेकिन कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों के माध्यम से हम जिलेवासियों से अपील करेंगे कि टेस्टिंग में सहयोग करें सबसे पहला, क्योंकि कई बार देखते हैं टीम जाती है तो लोग इच्छुक नहीं रहते, टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। बल्कि आप टेस्ट करा लेंगे, अगर संक्रमित पाए जाएंगे तो अगर आपके घर में जगह रहेगी तो आप होम आइसोलेट हो जाएंगे, उससे चेन रुकेगा, चेन ब्रेक होगा। दूसरा, अगर घर से बाहर निकलें, आप लोग जान रहे हैं अनलॉक 4 में लगभग सभी गतिविधियों में छूट दी गई, कुछ एक दो गतिविधियों को छोड़ के, तो ऐसी स्थिति में बाहर निकलेंगे तो भीड़ भी हो सकती है, तो मास्क जरूर पहन के निकलें। पूरे बेगूसराय जिलेवासियों से अपील है, साथ ही साथ 2 गज की सामाजिक दूरी भी बना के रखें। किसी गाड़ी में, ऑटो में बैठें अगर आप, ये इंश्योर करें कि मास्क जरूर पहन के बैठें, और कोई अन्य आपके पैसेंजर नहीं बैठे हैं उनको प्रेरित करें वो भी मास्क पहने। अगर हम लोग इतनी सी आदत अपनी अपने आदतों में इतनी चीज़ें शामिल कर लेंगे तो हम लोग कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अभी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं हम लोगों, क्योंकि अनलॉक 4 में गतिविधियाँ बढ़ी हैं, तो संभावना ये है कि इस कारण से दोबारा कोरोना के क्षेत्र में वृद्धि हो जाए। तो एक ऐसे समय पे हैं बेगूसराय जिलेवासियों से इसलिए अपील है, बहुत क्रिटिकल समय है अभी, अगर अभी हम लोग लापरवाही के पुनः केसेज हम लोग के यहाँ बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है, मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। साथ ही साथ ये भी मैं माननीय मंत्री जी की अनुमति से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेगूसराय जिला में लोगों के इलाज के लिए 3 DCHC यहाँ पे तैयार किए गए हैं। 100 बेड का इंजीनियरिंग कॉलेज में है, 100 बेड का सब डिविजनल हॉस्पिटल बलिया में पूर्व DCHC की स्थापना की गई है, और 50 बेड सदर हॉस्पिटल में है, जिसमें से 50 बेड इंजीनियरिंग कॉलेज में, 50 बेड बलिया में और 30 बेड सदर अस्पताल में। ये ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को सांस में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल में कमी आती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर किलोमीटर के साथ उसकी सुविधा उपलब्ध है, हम लोग उसका इलाज भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त अभी सदर अस्पताल में 7 वेंटिलेटर भी हम लोग को मिल गए हैं, उसको भी इंस्टॉल किया गया है। वहाँ की टीम को 1 राउंड की ट्रेनिंग दी गई उसको चलाने के लिए, लेकिन अभी उसमें और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग अभी उनका ट्रेनिंग कराते रहेंगे डॉक्टर से, ताकि वेंटिलेटर का सदुपयोग हो सके और जो क्रिटिकल मरीज हों उनका भी इलाज बेगूसराय जिला में हो सके। इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं कि बेगूसराय जिला में टोल फ्री नंबर 1-800-345-6604 ये भी स्थापित हुआ है, 24 घंटे कार्यरत रहता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोरोना के संबंध में कोई लक्षण आता है उसको सूचित करना है, इस टोल फ्री नंबर से सूचित करें। किसी की तबीयत अचानक से ख़राब होती है, उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की आवश्यकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, अचानक से लग रहा है कि घबराहट ये सब हो रही है, इस नंबर पर कॉल करें, हम लोग एम्बुलेंस भी भेजेंगे। किसी व्यक्ति को आप लोग जानते हैं जो होम आइसोलेट किए जा रहे हैं, उनको मेडिकल किट दिया जाना है और दिया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है उनको किट नहीं है, कोई शिकायत है, टोल फ्री नंबर पर सूचित करें, उनको तुरंत किट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग DHC लेवल से और जिला कंट्रोल रूम से लगातार जो एक्टिव केसेज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उनसे दूरभाष पे बात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अगर कोई DCHC में एडमिट है या कोविड केयर सेंटर में है, उनको साफ सफाई के संबंध में कोई शिकायत हो, खाने के संबंध में कोई शिकायत हो, इस नंबर पर फ़ोन करके वो लोग सूचित करेंगे, कर सकते हैं, वो तुरंत उसका समाधान करेंगे।